बॉलीवुड अभिनेत्री तापसी पन्नू और कंगना रनौत के बीच जुबानी जंग किसी से छिपी नहीं है। दोनों में कई बार ट्विटर पर वॉर छिड़ चुकी है और कंगना ने कई दफा तापसी को सस्ती कॉपी कहा है। अब तापसी के घर आयकर विभाग की छापेमारी के बाद अभिनेत्री ने अपने ऊपर इल्जामों पर खामोशी को तोड़ा है। उन्होंने सिलसिलेवार ट्वीट्स कर सभी तीन मुख्य जांच के बारे में बताया। इसी बहाने उन्होंने बिना कंगना रनौत का नाम लिए उनका भी अपने एक ट्वीट में जिक्र किया। तापसी का ये ट्वीट सामने ही आया था कि कंगना रनौत ने तुरंत उस पर जवाब दे डाला। तापसी के ट्वीट पर कंगना ने लिखा, तुम हमेशा ही सस्ती रहोगी क्योंकि तुम सब रेपिस्ट की फेमिनिस्ट हो। तुम्हारे रिंग मास्टर कश्यप के यहाँ 2013 में टैक्स चोरी के आरोप में रेड पड़ी थी। सरकार की आधिकारिक रिपोर्ट सामने आ गई है। अगर तुम अब भी शर्मिंदा नहीं हो तो उनके खिलाफ आंदोलन में जाओ और पूरी जानकारी ले आओ। दरअसल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने तापसी पन्नू और अनुराग कश्यप के घर आईटी रेड के संदर्भ में बिना दोनों के नाम लिए लिखा था कि साल 2013 में भी ऐसी कार्रवाई हुई थी जब किसी ने यूपी सरकार पर उंगली नहीं उठाई थी, जो कि अब बनाया जा रहा है। इस पर तापसी ने ट्वीट किया कि माननीय वित्त मंत्री के मुताबिक साल 2013 में मेरे यहाँ रेड पड़ी थी, अब इतनी सस्ती नहीं है। कंगना पहले भी तापसी के संग ट्विटर पर उलझ चुकी हैं। उन्होंने तापसी को सस्ती कॉपी कहा था। गौरतलब है कि तापसी ने अपने ट्वीट्स में आईटी विभाग के तीन जांच के बिंदुओं के बारे में बताया। उन्होंने लिखा कि तीन दिनों में तीन चीजों की गहन तलाशी। नंबर एक, पेरिस में उस बंगले की चाबी जो कथित रूप से मेरी है क्योंकि गर्मी की छुट्टियां आने वाली हैं। करोड़ का कथित रसीद जो भविष्य के लिए रखा गया है क्योंकि इससे पहले मैंने उन पैसों के होने से इनकार किया था। नंबर तीन, हमारी माननीय वित्त मंत्री द्वारा 2013 में मेरे यहाँ रेड पड़ी थी। ताजा जानकारी के मुताबिक शुक्रवार देर रात आईटी विभाग ने 650 करोड़ की टैक्स चोरी के मामले में अनुराग कश्यप और तापसी दोनों से पूछताछ की। इस दौरान दोनों की गाड़ियां पुणे के होटल साया जी के लॉबी में खड़ी नजर आई थी।